वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हाँ, सो आज मैं ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ। हमारा जो कैंपस है, हमारा जो एरिया है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, बस उसी का एक टूर छोटा सा देने वाली हूँ। घर का टूर बाद में आएगा क्योंकि अभी तक घर प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है। ये है गेस्ट हाउस एंड ये इम्पीरियल सिटी, मतलब हमारा कैंपस। सो अंदर चलते हैं। अंदर शुरुआत होती है गोबरों से। यहाँ पर ज़्यादा घर बने नहीं हैं, ये एक दो, यहाँ कहाँ गया, दो तीन, जो ये वाला जो घर है ये बन ही रहा है फिलहाल तक, और वो पीछे की तरफ में एक स्कूल है एंड दिस टू घर। ऐसे तो कुछ फिलहाल दिखाने लायक है नहीं उसे ना, क्योंकि घर बने नहीं है। यहाँ पर हवा इतना चल रहा है कि पूरा वीडियो में हवा का आवाज़ ही आ रहा होगा। एंड हाँ, आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर एक जगह है, मतलब पेड़ ही पेड़ वाला जगह है, जो मुझे कल पता चला। एंड वो जगह जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी उस जगह पे लेकर जाऊँ। चलते चलते मैं अपने घर के पास आ गई। ये मेरा घर है एंड पता नहीं मेरे घर के सामने किसने अपना घोड़ा पार्क करके रखा है। जो बेचारा तब से मैं जब से निकली हूँ घर से, वो तब से बेचारा इधर ही है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, एक जगह पर स्टेबल है। तो ये पूरा एरिया खाली है, ये हमारा घर, और वहाँ पर एक स्कूल बना है जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, और ये वो प्यारा सा घोड़ा, पता नहीं इसके पास गए तो मार देगा मेरे को, इसलिए मैं पास नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर एक फैक्ट्री भी है, ये एकदम पल्यूटेड फैक्ट्री, प्लाईवुड का फैक्ट्री है जो बहुत ही धुआं फेंकता है। हम लोग पहुँचने वाले हैं, जो जगह मेरे को पसंद है वो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ, जहाँ पेड़ ही पेड़ है, हाँ, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। बट वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो हमेशा उधर ही बैठता है, पता नहीं क्यों बैठता है, उसका घर बार कहाँ है मेरे को कुछ नहीं पता उसके बारे में। मस्त है, वाह, मैं आजकल इंग्लिश बोलने लग गई हूँ गाइस, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जगह है दिखने में कब्रिस्तान जैसा, बट ये कब्रिस्तान है नहीं। ये कितना सुंदर है, पता नहीं क्यों ये जगह मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। मेरा घर है ये जो छोटा सा है, ये मेरा घर दिख रहा है। यहाँ से एक बाउंड्री है, यहाँ से बाउंड्री है, बट यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, सो हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। एंड वेलकम टू माई न्यू किंगडम। जगह मेरे को इतना पसंद आया, मैं कल आई थी, ये पता नहीं आदि हो सका आदि क्या सबर कराए सर सर व्हाटएवर, आदिवासियों का अड्डा लग रहा है दिखने में, मेरे को बहुत पसंद आया ये जगह। यही जगह है वो जहाँ पर पेड़ ही पेड़ है, और यहाँ पर पेड़ जो है ना, इसमें हम उठ भी सकते हैं, जो कि मैं उठूंगी भी। मेरे को ना एक बढ़िया पेड़ मिल गया है, ये वाला, कहाँ गया, ये वाला पेड़ जिसमें मैं चढ़ूंगी अभी। मैंने बहुत कोशिश कर लिया फोन को स्टैंड करने का, बताई दो नहीं रहा। हसीनों का दीवाना, जमाना चाहे देख लो, पूरा है दिल लगाना। इधर में आकर, मतलब लखनऊ में आकर, मैंने एटलीस्ट इतना तो सीख लिया है कि अकेले खुश हम कैसे रह सकते हैं। एंड यहाँ पर जो कि मैं आई हूँ अभी, मतलब इस जंगल में, तो यहाँ पर मेरे को दो जानवर दिखे, मतलब एक्चुअल के जानवर। ओ आ कम कम अरे मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी भाई, प्लीज दोस्ती कर लो, एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे यार चला जा। Okay. So, अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे को कोई तो एक पेड़ चूज करना है जिसमें मैं थोड़ा सा ऊपर तक जा सकूँ, बस समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा स्लैंडिंग सा पेड़ जिसमें मैं ज्यादा ऊपर तक चढ़ सकूँ, ताकि गिरूँ तो अच्छा खासा मेरे को लगे, ऐसा नहीं कि चिंदी चुंदी सा चोट लगा के बैठूँ, चोट लगे तो एकदम सही सा भयंकर सा लगना चाहिए थोड़ा, कि हाँ देख के लगे कि ये लगी है चोट, ऐसा होता है चोट, वो ऐसा चाहिए हमको। 5 minutes later मेरे को पेड़ मिल गया है एक, ये वाला। सो अब हम उठने वाले हैं इस वाले पेड़ पे। भाई मैंने कुछ नहीं किया, शिट फोन।
गाइस खेद है, मतलब वीडियो में खेद आया था थोड़ा सा, तो अभी खेत चले गया है क्या था, इसलिए मेरे को उतरना पड़ा। अभी मेरे को ना सही बता, मेरे को पेड़ चढ़ना नहीं आता है, मतलब पहले आता था, अब मैं भूल गई कि कैसे चढ़ते हैं। और जो ये पेड़ है ना, इसमें ना मैं दिखाती हूँ आप लोग को, एक रेड रेड वाला जो चींटी होता है ना, जो काटने वाली चींटियाँ होती हैं वो सब। फिर भी कोशिश करूँगी मैं, आई थिंक मेरे को सैंडल खोल कर उठना चाहिए, बट मेरे को चींटियाँ काट लेंगी, इस चीज़ का मेरे को डर है। भगवान मैं गिर ना जाऊँ बस। आई स्वेयर अगर यहाँ पर कोई अगर रहता ना, मेरे को पागलखाने कब का भेज चुका होता। मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, इसलिए अच्छा है कि मैं आराम से चढ़ सकती हूँ, बट प्रॉब्लम ये कि मेरे को चढ़ना ही तो नहीं आता। मैं आ गई हूँ ऊपर तक। भाई मेरे पास एक ही पैंट फट ना जाए बस। आपको बताऊँ, ये टी शर्ट मैंने आज ही धोए थे, आज ही मैंने ये टी शर्ट धोया सूखा, और मैं पहन के लोफरों के जैसे निकल आई। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी क्या कार्ट व्हील। Oh shit, here we go again. घूमो और कौन फोन कर रहा है? ओह माय गॉड, पापा। गाइस मैंने काफ़ी कुछ चोट लगा लिए अपने आप को, और पापा ने भी कॉल करके बुलाया है। पहले आपको एक सीक्रेट बात बताओ, मैंने पापा को बोला था कि मैं पड़ोसी आंटी के घर जा रही हूँ, बट मैं इस जंगल में मंगल करने आ गई वो भी अकेले। और अभी पापा ने मेरे को घर बुलाया है। अब मैं सोच रही हूँ कि आंटी के घर जाने के लिए पहले हमको हमारा घर क्रॉस करके जाना पड़ेगा, एंड पापा अगर बाहर रहे तो मेरे तो लग गए वाट। मस्ती करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है गाइस, आपको मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसा मस्ती जहाँ पे कोई है ही नहीं, अकेले अकेले, लेकिन अकेले मस्ती करना शायद ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अभी दो चार लोग और रहते तो वो कहते हैं नो हम नहीं करेंगे, हमारे मम्मी पापा डांटेंगे हमको, हम नहीं जा सकेंगे, अरे तुम कैसी लड़की हो, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो, ब्ला 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 ब्ला। सो इट्स बेटर अकेले जाओ, अकेले घूमो, जैसा मर्जी जो करना है करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हाँ बस पेरेंट्स से संभल के खुद के। गाइस मेरा घर का बैक साइड है ये, और हाँ यहाँ ये रहा आंटी का घर, तो मैं टर्न मान के जा रही हूँ अभी घर पे। One eternity later. पापा ने मेरे को देख लिया। कहाँ गए? मेरे को पापा ने देख लिया। मैं बस थोड़े से के लिए, बस थोड़े से के लिए मैं पकड़ी गई, बट वेल पापा ने मेरे को डांटा नहीं, मेरे को कुछ बोला नहीं, बस बोला घर आने को, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, बिना खाए ये सब पेलम पाल कर रही थी। तो अभी मेरे को वैसे भूख भी लग गया है, गर्मी भी काफ़ी है, तो जाती हूँ कुछ खाने के लिए। तो बाय बाय।